हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट यूनिवर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या मैसेजेस आपको भेजना चाहते हैं। एंड ये बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया होगा, सो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। ये टाइमलेस है, सो इसे कभी भी आप देख सकते हैं। एंड जैसे आप जब भी देखेंगे उस समय से लेके अगला जो 24 घंटा होगा तब तक ही आपको रेजोनेट करना चाहिए। ओके, सो वी हैव द हायरोफेंट, द लवर्स, द हाई प्रीस्टेस, फाइव ऑफ कप्स, वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। नाउ आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट अगला जो 24 घंटा होगा इसमें आप काइंड ऑफ पावरफुल महसूस करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों का जवाब आपके पास ऑलरेडी होगा। सो या तो लोग आपको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि अगला 24 घंटे में आपके आसपास के जो लोग होंगे या आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा, आप एक मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे, या आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको ऑलरेडी किसी चीज़ का जवाब पता है। लाइक किसी के कुछ बोलने से पहले आपको पता होगा कि ये पर्सन क्या बोलने वाले हैं, या इस पर्सन का क्या माइंड सेट है, या इस पर्सन किस इंटेंशन से आपके सामने आए हैं, या आप पहले से ही बोल पाएंगे कि कोई चीज़ का रिजल्ट क्या होगा। सो मैं कह सकती हूँ आपका इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट होगा, या तो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, लेसन्स आपको बहुत काम आने वाले हैं इस 24 घंटे। लोगों को आपको देख के लग सकता है कि आपको थोड़ी पता होगा, या आप बहुत ज़्यादा लाइक नर्वस होंगे कि आपको चीज़ें समझाना पड़ेगा, या लोगों का एक्सपेक्टेशन आपसे काफ़ी कम होगा इस 24 घंटे में, लेकिन आपका परफॉर्मेंस या आप जैसे पेश आएंगे वो लोगों को हैरान कर सकता है, वो लोगों का लाइक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस हो सकता है आपके आसपास के लोगों के लिए, क्योंकि आप या तो जो बातें कर रहे हो, या आप जैसे पेश आ रहे हो, या आपकी जो भी एनर्जी है इस 24 घंटे में, लोग उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। लोग आपसे काफ़ी कम एक्सपेक्टेशन रख रहे होंगे, लोग आपको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होंगे अगले 24 घंटे में, लेकिन आपका कोई एक्शन, आपका कोई बिहेवियर, आपका कोई बात, एनर्जी, कुछ भी, ये प्रूव कर देगा कि आप काइंड ऑफ ये लोग जितना सोचे थे आप उससे काफ़ी ऊपर है। सो आप किसी और लेवल के हैं, या आपका लेवल कुछ और ही है। देर इज़ ऑल्सो दिस एनर्जी जहाँ पे लाइक आपकी बातें और आपका जो माइंडसेट या आपका जो सोच है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इस 24 घंटे आप जो कुछ भी सोचेंगे या जो कुछ भी बोलेंगे, आप देखोगे कि उसका 90% 80% ही सच हो रहा है। सो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या मांग रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। यूनिवर्स या आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स, आप जिस भी नाम से बुलाना चाहो, ये लोग काइंड ऑफ आपको देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं किसी बात पे। सो अगर आपको किसी भी चीज़ पे हेल्प चाहिए, आप इन लोगों से मांग सकते हो, आप एक प्रेयर कर सकते हो, आप बस ज़ोर से ये बोल सकते हो, बातें कर सकते हो दैट आपको क्या चाहिए। आप यूनिवर्स का नाम लेके या किसी भी हायर पावर जिनमें आप मानते हैं, आप उनका नाम लेके कुछ भी प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये हायर पावर यूनिवर्स आपको सुन रहे हैं, ये आपको हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि पहला कदम आप बढ़ाए, पहला कदम, पहला एक्शन आपसे आना चाहिए।
चाहे वो करियर में कुछ हो, लव लाइफ में हो, फ्रेंडशिप्स में हो, फैमिली में हो, हेल्थ में हो, वॉट एवर इट इज़, आप एक कदम बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि यूनिवर्स आपको चार कदम आगे जाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन पहला एक कदम आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। ऑल्सो दिस इज़ अ टाइम टू बी पेशेंट, हर चीज़ में हर जगह रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको कुछ भी कहे, किसी के बिहेवियर से आपको कुछ लगे, आपको किसी चीज़ से अगर दिक्कत महसूस हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टेंटली रिएक्ट करो, बिकॉज व्हाट आई एम बीइंग शोन हियर कि आपका नॉलेज या आपका जो साइलेंस है, आपका जो मैच्योरिटी है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये आपके बातों से भी ज़्यादा पावरफुल है। सो अगर आप चाहते हो या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान है जो आपको समझते नहीं या जो आपको वैल्यू नहीं करते, जो आपका वैल्यू नहीं समझते, इस पर्सन को कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है। ट्राई टू मेंटेन अ डिस्टेंस, इस पर्सन से जितना आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, आपका जो साइलेंस होगा ये बहुत पावरफुल होगा इस पर्सन को अपना सबक सिखाने के लिए। सी द प्रॉब्लम इज, आप इस टाइम पे एक पावर कैरी कर रहे हो, एंड सिर्फ इस टाइम पे ही बोलना सही नहीं होगा, इन जनरल आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। आज जो भी इस रीडिंग को रेजोनेट कर पा रहे हो, आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, जिसका मतलब ये कि आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो, आप जिस चीज़ में विश्वास करते हो, वो बहुत ही पावरफुल है, अक्सर वही होता है। शायद बचपन से ही आपको ऐसा लगता था या आप ऐसा देख कर बड़े हुए हो कि आप किसी भी चीज़ को पहले से गेस कर पाते हो, वो होने से पहले, या आप किसी भी चीज़ को देखकर ही बोल सकते हो कि क्या होने वाला है, या फिर ये कोई भी इंसान को देख के आप बोल सकते हो कि इसका क्या इंटेंशन है, ये क्या बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये अच्छे इंसान है या बुरे इंसान है। सो वॉट एवर इट इज़, यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट इस टाइम पे अपने पावर को, अपने पावर के बारे में ख्याल करो। दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, दूसरे लोगों का क्या राय विचार है आपके बारे में, उसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। दिस इज़ द टाइम आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आई सी दैट लाइफ में इस वक्त कुछ लोग स्ट्रगल पीरियड में हो, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो या लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, एंड ये स्ट्रगल पीरियड परमानेंट नहीं है। दैट इज़ द गुड न्यूज़ कि ये परमानेंट नहीं है। आप ऑलरेडी एक पावरफुल सोल है एंड आप इस लाइफ टाइम में कुछ सारे लेसन्स या एक्सपीरियंसेस गेन करने आए हैं। सो आप बस उसी एक्सपीरियंसेस को गेन कर रहे हो और कुछ नहीं। सो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, इसमें इतना सीरियस होने वाली कोई बात नहीं है। आप ऐसे देख सकते हो सिचुएशन को कि आप एक पावरफुल सोल है, जो आप यूनिवर्स का एक हिस्सा हो, एंड आप इस लाइफ टाइम में इसलिए आए हो यहाँ पे क्योंकि आपको कुछ एक्सपीरियंसेस गेन करना था, एंड इस वक्त आप वो एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हो ताकि आप बेटर बन सको। एंड बस ये स्ट्रगल जैसे ही ख़त्म होगा, आप एक्सपीरियंसेस जैसे ही गेन कर लेंगे, फिर और आपको इतना परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप भी एक स्टेबल लाइफ डिज़र्व करते हो, आप भी हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो, आप भी अनकंडीशनल लव डिज़र्व करते हो। सो इतना मत घबराओ कि यही अंत है, या बहुत ख़राब लाइफ है, या मेरा लाइफ ही बहुत ख़राब है, दूसरों का बहुत अच्छा है, ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। डोंट बी सो सीरियस अबाउट एवरीथिंग, ओके। आपके लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ, देर इज़ अ लॉट ऑफ मिस्ट्री अराउंड दिस सिचुएशन। इस कहानी में अभी भी बहुत सारे ट्विस्ट आने बाकी है। अगर आप किसी से डील कर रहे हो इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन मैं कहूँगी अभी भी कंप्लीट नहीं है, जिसका मतलब आपका अगर ऐसा मानना है कि हम लोग इतने, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ऐसा लगता है कि हम लोग 3-4-5 साल से रिलेशनशिप में हैं, अभी भी हमारी शादी नहीं हो रही है, अभी भी मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रहा, या अभी भी ये कनेक्शन कहीं पहुंच नहीं रहा, वो इसलिए क्योंकि इस कहानी में अभी भी बहुत सारे ट्विस्ट आने बाकी हैं। उसके बाद मे बी आप दोनों की शादी या कमिटमेंट या जो भी आप चाहते हो वो हो सकता है।
सो ये कहानी ही अभी खत्म हुई नहीं है कि आप इसका एंडिंग जानना चाहते हैं, ये तो हो नहीं सकता। कुछ लोग सिंगल्स हो सकते हो जिनका मानना है कि मैं अभी तक सिंगल क्यों हूँ, मुझे कभी भी प्यार नहीं मिला, अनकंडीशनल लव नहीं मिला, मेरी शादी होगी क्या, अभी भी बहुत सारे ट्विस्ट आने बाकी है, अभी भी आप उस पर्सन से मिले नहीं हो, या अभी भी कहानी शुरू ही नहीं हुई है, तो आप उसका एंडिंग क्यों सोच रहे हो कि शादी होगा या नहीं, साथ रहेंगे या नहीं। वो तो एंडिंग की बात हो गई, वो तो कंक्लूजन पार्ट हो गया, पर पहले जो ट्विस्ट आने बाकी है, पहले की जो कहानी है, पहले उसे ख़त्म होना, उसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है जो अभी तक हुआ नहीं है। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों फेस करने वाले हो, चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स हो, एक्सटर्नल हो, कि बाहर से परेशानी आए कि अंदर से, दोनों के बीच में से कुछ परेशानी उभर के आए। पर एक चीज़ जानना, दैट आप दोनों का जो सच्चाई है या प्यार है या इमोशंस है, वो जेन्युइन है, उसमें कोई खोट नहीं है, उसमें कोई कुछ बुरा नहीं है। पर आप लोग कैसे हैंडल करते हो सिचुएशन को, आप लोग इस फेथ या इस ट्रस्ट को एक दूसरे के बीच में बनाए रख पाते हो या नहीं, ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यूनिवर्स काइंड ऑफ टेस्ट करना चाहते हैं। सो मैं ये कहूँगी कि आपको अभी बहुत पेशेंस रखना है, क्योंकि कहानी अभी चल रही है, इट्स इन द प्रोसेस। सो अभी ही एंडिंग का मत सोचो, अभी ही क्या होगा कंक्लूजन मत सोचो, अभी सोचो कि प्रेजेंट में क्या किया जा सकता है, प्रेजेंट सिचुएशन को कैसे हील करे, कैसे सोल्यूशन निकाले, कैसे एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुँचे। क्योंकि आप दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पर्सन भी और आप भी, दोनों में से कोई भी शांति से ये नहीं बोल सकते कि मुझे जो करना था इस कनेक्शन के लिए मैंने किया, या मुझे जो पाना था मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, नहीं बोल सकते, क्योंकि आप खुद भी स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पर्सन भी कर रहे हैं इस कनेक्शन को समझने के लिए, इस कनेक्शन को या एक दूसरे को वैल्यू करने के लिए, एक फ्यूचर बनाने के लिए, रियलिटी ढूंढने के लिए, अपने फीलिंग्स को समझने के लिए। इट्स अ प्रोसेस एंड आप लोग उस प्रोसेस में हो, तो उस प्रोसेस को ट्रस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, बाकी आई सी करियर वाइज यू आर टेकिंग एक्शन। करियर में ओवरऑल सब स्टेबिलिटी बनाए रहेगा, आप स्टेबल ही महसूस करेंगे एंड ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। वैसे तो करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस एंड एवरीथिंग विल बी देयर। सो आई थिंक आपका मेन जो इस वक्त टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट नेक्स्ट 24 आवर्स में, वो है कि आप अपने लाइफ की स्टेबिलिटी को कैसे हैंडल करते हो, एंड पेशेंस आपको रखना होगा हर चीज़ में। आप देखोगे आपको पेशेंस थोड़ा सा रखना होगा, क्योंकि सिचुएशन थोड़ा सा स्टक महसूस हो सकता है, या आपको लग सकता है कि अभी भी पूरा क्लैरिटी नहीं है आपके पास, बट डोंट वरी, या यहाँ पे लाइक जल्दबाजी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट होल्ड ऑन टू इट, एक मिनट के लिए बैठो, होल्ड ऑन टू द सिचुएशन फॉर अ मिनट एंड सी धीरे धीरे कैसे सब कुछ चेंज होता है एंड हाउ एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर, एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।